लुधियाना की एक सोसायटी के तेंदुआ वड़िया फड़न की जद्दोजहद की गई। दरअसल बीती रात सोसायटी के रहने वाले एक व्यक्ति ने तेंदुए को देखा, जिस तो बाद उसने रौला पाया अते लोग इकट्ठे हो गए। लुधियाना के पखवाल रोड से स्थित सेंट्रा ग्रीन फ्लैट के देर रात एक तेंदुआ वड़ गया, जिस तो बाद इतने रहने वाले लोगों के दहशत का माहौल फैल गया। इस फड़न के लिए इलाके नू सील कर दिया गया है, पिंजरे लगाए गए हैं। जंगलात विभाग समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। दरअसल बीती रात सोसायटी के रहने वाले एक व्यक्ति ने तेंदुए को देखा, जिस तो बाद उसने रौला पाया, इस ते लोग इकट्ठे हो गए। जो उसने सोसायटी विच लगे कैमरिया की जाँच की तो उन्होंने देखा कि एक चीता घूम रहा है। इस तो बाद इसकी सूचना थाना सदर को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुँच के इलाके को सील कर दिता। इस दौरान जंगलात विभाग की टीम भी मौके पर पहुँच गई और जानवर की भाल शुरू कर दी है। जी इस तरह मैनू सवेरे फोन आया सीगा और सीसीटीवी फुटेज भी मैनू मिली है। ये जी कलोनी हैगी है, सेंट्रल ग्रीन कलोनी है, ये लैपड़ दिखाई दिता। वो यही गल कन्फर्म है कि जी फुटेज आई थी वह लैपड़ की है, पर उस बाद असी सारा जो कलोनी असी घूमे हाँ, जिथे पार्किंग वगैरह एरिया सारा देखा और चंकी तरह वाच किया। कोई थान से उन्होंने पैरों के निशान भी लैपड़ के देखे गए हैं। तो इस टाइम जरा असी की कर रहे हैं, क्योंकि दिन वेले लैपड़ जो जानवर है जो छुप जाते हैं, इन्हों का सिर्फ मूवमेंट रात में ही होंगी है। तो हूँ असी पिंजरा मंगाया, पिंजरा फिट करा, उस बाद रात में यदि फिर मूवमेंट जेकर नज़र आती है, दो रात दो दिन सानू चेक करना पैना। तो साढ़े को जरा बेहोश करने वास्ते गन भी अवेलेबल है और असी जो भी समय अनुसार कार्रवाई करा। संभावना इदा का कुछ नहीं कह सकते, कई दिन जरा रातों रात बहुत दूर तक चलिया जाता, ये इतों जा भी सकता है। दो दिन बाद ही असं ये बारे दस सका। हाँ हाँ, थोड़ी जी खबर जानगियाँ तो आस पास लोगों को भी पता चल जाएगा, और जो भी जी जिथे भी मूवमेंट होंगी है तो तुरंत जोड़े लोग उन्होंने जानकारी सानू मिलेगी जी। लोगों ने जानकारी देनी होंगी है, तो जिस तरह भी सानू जानकारी मिलती रहेगी उस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे। असी जरा कलोनी है इन्हों कह कि तुम अनाउंसमेंट कराओ, कोई भी जो छोटे बच्चे है गए वो रात को कल्ले बाहर ना निकल। हाल की घड़ी असं इतें ही पहुंचे, इतें ही जो कर रहे हैं कार्रवाई। आस पास जगा जो खबर कित आएगी तो आस पास के लोगों को पता चल जाएगा। असी सारे लुधियाने अनाउंसमेंट नहीं करनी हैगी, जिस एरिए मूवमेंट देखी गई उत्थे ही असी कार्रवाई कर रही है। सर लगता है कि जिमें कि ठंड करके नीचे आ गए पहाड़ा तो इदा भी हो सकता सर? हाँ जी इदा ही होंगे, ज्यों ज्यों पहाड़ के पिछे बर्फ पैंती है ठंड होंगी है तो लैपड़ या होर भी जो जानवर है वो थले उतरते रहेंगे जी। तो लगता है कि इस अलावा सर लगता है कि उची सर छाल मार सकता है जो लैपड़ तो जोड़ा असी कलोनी देखी है ये पिछे किसी जी कंध में आसानी टप सकता, क्योंकि पहला बाड़ है गया, फिर उस बाद थां थां रुख लगे हुए है, ये रुख तो चढ़ जाता बड़ी आसानी नाल, तो दीवार को टपना ये वास्ते कोई मुश्किल वाली गल नहीं हैगी। लोगों को कहना चाहोगे, पब्लिक को अवेयर करना चाहोगे? पब्लिक को असं लोगों को यही कहने कि कुछ दिन वास्ते अलर्ट रहना चाहिए, खास करके बच्चों, ये जेकर अटैक करता तो बच्चे तो कर सकता, वड्डियां तो डरता, इस करके दो तीन दिन जो अलर्ट रहने की जरूरत है। मतलब टारगेट करता है दो तीन दिन अलर्ट रहने की लड़ है। बच्चा जो छोटा बच्चा कुछ भी हाइट घट है, इन्हें हमेशा जो छोटी हाइट छोटा जिमें इन्हें शिकार करना था कुत्ते वगैरह इस तरह के जानवर बकरी छोटे जानवर का, इस तरह बच्चा जोड़ा है यह ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਆ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਪੜ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆ ਇਹਦਾ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਜਰਾ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਤਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਰੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪਿੰਜਰਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਿੰਜਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਲੱਸ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ
ਜਿਹੜੀ ਵਾਚ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੀਟ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ PBX ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ।